स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं के यूट्रस में होने वाली गांठ के बारे में, जिसको रसौली या फिर मायोमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो गांठ होती है ये रिप्रोडक्टिव एज में यानी 20 से 45 साल की महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और इसी एज में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ये एक ऐसी परेशानी है जिसके बारे में पता चलते ही महिला एकदम घबरा जाती है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है, अब मुझे बच्चेदानी तो नहीं निकलवानी पड़ेगी, आगे मुझे क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो दिमाग में आने लगते हैं। आज हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो यूट्रस में होने वाला फाइब्रॉयड है ये क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होते हैं, किन केसेज में इन्हें सर्जरी करके निकलवाने की ज़रूरत है, किन केसेज में सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। ये जो यूट्राइन फाइब्रॉयड होता है ये छोटी साइज़ से मतलब मटर के दाने के बराबर से लेके काफ़ी बड़ी साइज़ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि ये जो बच्चेदानी होती है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इस मसल्स में अगर किसी भी तरह का ओवर ग्रोथ होने लगता है तो ये गांठ के रूप में डेवलप होने लगती है, पर इसमें किसी भी तरह का पस, पानी या फिर ब्लड नहीं भरा हुआ रहता है। गांठ कैसे डेवलप होता है इसका कोई एग्जैक्ट काज नहीं है अभी, लेकिन कुछ पॉसिबल कॉजेज हैं केसेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा शरीर में ज़्यादा है, या फिर किसी महिला ने बहुत लंबे समय तक कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज किए हैं, या फिर ऐसी महिला जो कभी प्रेग्नेंट ना हुई हो, या फिर प्रेगनेंसी से पहले अगर किसी को गांठ होती है तो जो हार्मोन्स लेवल हाई होते हैं प्रेगनेंसी में उसकी वजह से ये जो गांठ का साइज है वो बढ़ने लगता है। गांठ जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि बच्चेदानी की 3 लाइनिंग होती है। ये पहले भी हमने वीडियो में जाना था। तो जो 3 लाइनिंग होती है इन्हीं एरिया में जो है ये डेवलप करते हैं और उनकी नेमिंग की जाती है। सबसे पहला जो फाइब्रॉयड है सब म्यूकस फाइब्रॉयड बोलते हैं, जो बच्चेदानी की एकदम इंटरनल एरिया जो नीचे वाला एरिया एंडोमेट्रियल एरिया होता है उसमें ग्रोथ करता है। तो ये पेशेंट को अक्सर ही प्रॉब्लम देता है। दूसरा जो फाइब्रॉयड होता है वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड होता है, जो बच्चेदानी की जो मिडिल वाली लाइनिंग होती है उसमें ग्रोथ करता है और ये पेशेंट में सिम्टम्स प्रोड्यूस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। थर्ड टाइप का जो फाइब्रॉयड होता है वो सबसेरोसल फाइब्रॉयड होता है। ये बच्चेदानी का जो सबसे आउटर वॉल होती है उसमें ग्रोथ करता है और ये मैक्सिमम टाइम एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं देता है। अब ये जो फाइब्रॉयड है इसकी वजह से पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ये जो फाइब्रॉयड होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पेशेंट में कोई कंप्लेन नहीं रहता है। पर जिन पेशेंट में कंप्लेन देखने को मिलता है वो होता है कि पेशेंट में इरेगुलर मेंसेज होगा, हैवी मेंसेज होगा, पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है, या फिर कुछ पेशेंट में हमेशा पेट में दर्द बना रहता है, बैक पेन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और अगर ये फाइब्रॉयड बड़ा है और यूट्रस के इंटीरियर वॉल पे है तो फिर उसकी वजह से आपका जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार यूरिन लगता है। और अगर ये पोस्टीरियर वॉल पे होता है तो आपके एन रेक्टल एरिया पे ये प्रेशर कॉज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। और हैवी मेंसेज की वजह से पेशेंट में एनीमिया डेवलप होता है, वीकनेस होता है, चिड़चिड़ापन होता है। फाइब्रॉयड अगर बच्चेदानी के एकदम अंदर वाले एरिया में होता है तो ऐसे में वो प्रेगनेंसी में दिक्कत करता है। और अगर किसी भी तरह से प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर मिसकैरेज का डर हमेशा बना रहता है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है पेशेंट पेन का कंप्लेन करती है। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस जो है इसका हो जाता है ट्रांसवेजाइनल जो यूएसजी करते हैं, मतलब वेजाइनल यूएसजी करते हैं, ये बेस्ट होता है फाइब्रॉयड के डायग्नोसिस के लिए। इससे नंबर ऑफ़ फाइब्रॉयड, लोकेशन ऑफ फाइब्रॉयड अच्छे से पता चल जाता है। कुछ पेशेंट में एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है इसके? ट्रीटमेंट इसका 2 तरह से होता है, मेडिकल और सर्जिकल। अब ये डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है या सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर जो सभी तरह का फाइब्रॉयड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि हमने पहले बात की, अगर आपका फाइब्रॉयड छोटा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपका जो फाइब्रॉयड है वो साइज़ में बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं अंदर और कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपका फाइब्रॉयड बड़ा है, आपको परेशानी हो रही है उससे, तो इसको आपको निकलवाना पड़ता है। ये जो सर्जरी है ये दो तरह से कर सकते हैं। एक तो फाइब्रॉयड को ही सिर्फ निकालते हैं, ये अक्सर उन पेशेंट में करते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, जो विलिंग है इनफर्टिलिटी के केसेज में, जो बच्चे के लिए विलिंग है, तो ऐसे केस में सिर्फ फाइब्रॉयड को निकाल दिया जाता है। लेकिन जो फाइब्रॉयड है इसके रिकरेंस के चांसेस हमेशा रहते हैं। सेकेंड केस जिनकी एज ज़्यादा है, जिनकी फैमिली कंप्लीट है, जो लोग बहुत विलिंग नहीं है कि अब बेबी चाहिए, तो उनके केस में क्या करते हैं कि यूट्रस को निकाल देते हैं। आजकल तो जो दूरबीन विधि से ऑपरेशन होता है बहुत ईजिली हो जाता है, वो चाहे फाइब्रॉयड निकालना हो चाहे यूट्रस निकालना हो, आराम से 2 से 3 दिन में पेशेंट अपने घर भी चला जाता है और पेशेंट को आगे भी कोई सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। हर तरह के फाइब्रॉयड को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ फाइब्रॉयड अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं दे रहे हैं तो उनको मेडिकली भी ठीक किया जा सकता है। आजकल कुछ नए ड्रग्स मार्केट में हैं, जैसे मेफीप्रिस्टॉन है, यूलिप्रिस्टॉन है, इंजेक्शन GnRH एगोनिस्ट है। ये सारी चीज़ों को अगर पेशेंट को देते हैं तो ये 3 से 6 महीने का कोर्स होता है और पेशेंट इससे रिस्पॉन्ड भी करता है। अब ये जो साइज़ है ये पूरी तरह से जो फाइब्रॉयड है डिसअपीयर नहीं होता है, लेकिन साइज़ जो है वो थोड़ा कम होने लगता है, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। मेरीना एक डिवाइस आता है जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जिसको यूट्रस में लगाया जाता है। ये हार्मोनल एक तरह से कंट्रासेप्टिव भी होता है, तो इसकी वजह से जिस पेशेंट में हैवी मेंसेस होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इफेक्टिव होता है और बहुत रिस्पॉन्ड भी करते हैं पेशेंट। एक आधुनिक तरीका है, बहुत एडवांस है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, जिसको फाइब्रॉयड एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। ये भी इस समय अवेलेबल है, जिसमें क्या करते हैं कि जो फाइब्रॉयड है उसका जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं उनको कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फाइब्रॉयड है वो सिकुड़ने लगता है और पेशेंट को अपने सिम्टम्स में रिलीफ होने लगता है। आधे से 1 घंटे का ये प्रोसीजर होता है और पेशेंट उसी दिन अपने घर भी जा सकता है। होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपको ये पता चला होगा कि फाइब्रॉयड होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कब आपको सर्जरी की ज़रूरत है, कब आप मेडिसिन से एक बार ट्रायल ले सकते हैं कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।